बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं गर्ल्स, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश पाश होंगे। अल्लाह ताला मेरी प्यारी प्यारी बहनों को, यूट्यूब फैमिली को हमेशा हंसता हंसता खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। स्पेशली आज बहुत ही बड़ा दिन है, तो अल्लाह ताला हज़रत माम हसन हुसैन और अहले बैत के सदके हमारे सारी मुश्किलात और मेरी प्यारी बहनों के जो भी मसले मसाइल हैं, औलाद का मसला है, घरेलू नाचाकी हैं या घर में कोई तंगी है, परेशानी है, ससुराल में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, इसके अलावा अगर आप लोग बे औलाद हैं, औलाद को बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं, बहुत ज़्यादा इलाज करवा लिए हैं, स्पेशली मेरी दिल से दुआ आज के दिन अल्लाह ताला आप सबके मसले मसाइल और सारी परेशानियाँ हल फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। और काइंडली आप लोग भी ज़रूर आमीन बोल दीजिएगा जो मेरी बहनें परेशान हैं, ताकि हो सकता है किसी की भी दुआ लग जाए। तो वीडियो में आप लोग देख सकते हैं बड़े डिसेंट से, प्यारे से और लग्जरी से चिकनकारी के डिफरेंट आइडियाज़ हैं। तो नेक्स्ट वेदर चेंज हो रहा है तो जारी बात है फिर चिकनकारी चलेगी, तो जो मेरी बहनों को चिकनकारी बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो अब नेक्स्ट वेदर के लिए स्टिच करवा के रख लें, क्योंकि वेदर जाना वो इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा। और चिकनकारी के साथ किस तरह के ट्राउज़र पहनने चाहिए, किस तरह की डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, क्योंकि चिकनकारी पता आप लोगों को ऑलरेडी बहुत ही भरी भरी होती है, एम्ब्रॉयडरी वाली भी होती है, तो इनके होल्स भी आप लोग देखें बहुत बड़े बड़े चिकनकारी के डिज़ाइन हैं और छोटे छोटे चिकनकारी के भी डिज़ाइन हैं। तो साथ आप लोग एम्ब्रॉयडरी भी देख सकते हैं, चिकनकारी की कुर्तियाँ भी देख सकते हैं, वाइट चिकनकारी का ड्रेस बना के तो मल्टी दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा कैरी किया जाता है, तो इसके ऊपर स्टोन्स वाली लेसेज अच्छी लगती हैं या शटल लेसेज अच्छी लगती हैं या बड़ी बड़ी नेट की लेसेज अच्छी लगती हैं, तो भाई ये मैं नहीं बताऊंगी, ये वीडियो आप लोगों को बताएगी, तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो एंड तक वॉच करनी है, प्यारे प्यारे रियाज ले ले लेने, साथ में मेरी मीठी मीठी बातें ज़रूर सुना करें, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, स्पेशली जो मैरिड लेडीज़ होती हैं, बच्चियाँ होती हैं या जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, उनको भी बहुत सारी टिप्स मिल रही होती हैं, जो बच्चियाँ स्टिचिंग स्टार्ट करने लगी हैं या जिनको अभी अभी क्रेज़ हुआ है कि भाई स्टिचिंग जो है ना वो खुद करनी चाहिए। तो जिस तरह महंगाई का दौर है ना भाई, एसी के बिल और बिजली के बिल और गैस के बिल ही नहीं ख़त्म हो रहे, तो इसलिए स्टिचिंग जो है ना वो तो खुद करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह डिज़ाइनिंग का ट्रेंड आ चुका है, तो खुद अगर स्टिच करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाएगी, क्योंकि स्टिचिंग के 2000 तक भी चार्ज करती हैं, तो इसलिए खुद डिज़ाइनिंग करना सीखें। चले जी, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।